तो दोस्तों, अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपको भी मेरे जैसे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होगी। प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास जो आपका नंबर है वो बिना फालतू के ग्रुप्स क्रिएट करता है, फिर उसके अंदर आपको ऐड कर देता है जहाँ पर बिना फालतू की बातें होती है। अभी आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, तो बिना फालतू के ग्रुप क्रिएट करते हैं जो कि आपके काम के नहीं है, और बिना फालतू के आपके पास नोटिफिकेशन आती है, बार बार वो फ़ोन बजता रहता है, और बिना फालतू कोई भी जैसे कि मीडिया डाउनलोड हो जाता है आपके फ़ोन में, लाइक कई सारे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, और म्यूज़िक वगैरह इस तरह से कई सारे फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं आपके फ़ोन में, और आपके फ़ोन की स्टोरेज भी ज़्यादा से ज़्यादा भर देते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला अपने लिए। फिर मुझे लगा कि ये मतलब व्हाट्सएप तो ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, तो चलिए अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ बताई जाए और इसका सॉल्यूशन उनको भी बताया जाए। तो इस वीडियो में ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे कोई भी बंदा आपकी बिना इजाज़त लिए आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। और अगर कोई भी बंदा आपको ग्रुप में ऐड करना चाहेगा तो उसको सबसे पहले आपसे परमिशन लेनी होगी। तो आपके पास एक परमिशन का मैसेज आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और ये ट्रिक मैं दोनों के लिए लेके आया हूँ, यानी कि जो एप्पल वाले हैं iOS वाले उनके लिए भी है और एंड्रॉयड वालों के लिए भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड वालों के लिए कि एंड्रॉयड में किस तरह से इन स्टेप को फॉलो करना है और इस इन प्रॉब्लम से बचना है। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ सारी प्रोसेस। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अभी यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। अभी मेरे पास जी भी व्हाट्सएप है, आपको कुछ इंटरफेस चेंज लग सकता है, तो अगर आपके पास नॉर्मल व्हाट्सएप है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, तो इस अकाउंट वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। फिर सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन है प्राइवेसी का, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है ग्रुप, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप्स, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एवरीवन में, यानी कि आपका नंबर जिसके भी पास होगा वो आपको ग्रुप में ऐड कर पाएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन है माय कॉन्टैक्ट, यानी कि जिसका नंबर आपके पास सेव है वो आपको आप किसी भी ग्रुप में ऐड कर पाएगा। और एक सबसे लास्ट में है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ओनली। अभी यहाँ से आप जिस बंदे को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी फैमिली मेम्बर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। फिर यहाँ से आप जैसे राइट पर क्लिक करोगे तो अभी ये बंदे आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। अगर कोई भी बंदा दूसरा जिसके पास आपका नंबर है वो ग्रुप में ऐड करना चाहेगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, और इस मैसेज के ऊपर आप अगर 24 आवर्स के अंदर रिस्पांस करोगे तब आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे। अगर आप रिस्पांस नहीं करते हो तो वो जो रिक्वेस्ट आएगी वो खारिज हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग आइडिया। इस तरह से आपको जब भी कोई बंदा है मतलब ग्रुप में ऐड करना चाहेगा तो इसके लिए आपसे परमिशन लेनी होगी। तो अभी आपने मतलब एंड्रॉयड का तो देख लिया कि एंड्रॉयड में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अभी जो iOS वाले जो एप्पल यूज़ करते हैं उनके लिए भी सुन लीजिए। आपको एप्पल का व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करने के बाद बॉटम में ऊपर एक सेटिंग का आइकन है, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में प्राइवेसी का वाला ऑप्शन है, प्राइवेसी वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप्स, इस ग्रुप्स के अंदर आ जाइए। फिर वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, वहाँ पर लिखा हुआ एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पे लिखा होगा माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ओनली। तो फिर जो प्रोसेस मैंने बताई वही वहाँ पे लागू होगी। तो इस तरह से आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और बिना फालतू के जो भी ग्रुप में ऐड करते हैं उनसे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई होगी और इस ट्रिक से आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। अगर सॉल्यूशन हो गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।